Hello everyone. In this lecture, we are going to learn about FM transmitter. हम लोग FM transmitter को पढ़ेंगे. FM transmitter क्या है? FM transmitter की मदद से हम लोग FM signal को transmit करते हैं. तो देखिए, FM transmitter जो है, दो टाइप का होता है. एक आपका direct method, एक indirect method. Direct method का फिर दो टाइप है. वैरेक्टर डायोड मेथड, वैरेक्टर डायोड का यूज करके हम लोग फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करते हैं, एफएम ट्रांसमिशन करते हैं. और रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर मेथड, रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर मेथड की मदद से हम लोग एफएम को ट्रांसमिट करते हैं. तो ये दो मेथड जो है वो डायरेक्ट मेथड के अंदर में आता है. डायरेक्ट मेथड का डिमेरिट क्या होता है? इसका फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी कम होता है कंपेयर टू इनडायरेक्ट मेथड. और इनडायरेक्ट मेथड में जो है वो आपका आर्क स्ट्रॉन्ग मेथड है, आर्क स्ट्रॉन्ग मेथड. तो हम लोग देखेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ एफएम ट्रांसमीटर यूजिंग रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर डायरेक्ट मेथड. हम लोग डायरेक्ट मेथड को देखेंगे ब्लॉक डायग्राम, जिसमें किसका यूज किया गया है? रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर का यूज किया गया है. अब इस ब्लॉक डायग्राम को देखिए, ये आपको एफएम ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम है. डायरेक्ट मेथड के लिए रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर का यूज किया गया है. अब यहाँ पे देखिए, ये आपका ऑडियो सिग्नल है, ऑडियो इनपुट है, मींस आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलिए, ये आपका ऑडियो इनपुट है, मॉड्यूलेटिंग इनपुट बोलिए या बेसमेंट सिग्नल बोलिए, जो भी बोलिए. उसके बाद रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर है, यहाँ पे कैरियर ऑसिलेटर है जो कि क्या करेगा, कैरियर सिग्नल को जनरेट करेगा. फिर बफर एम्पलीफायर है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर है, ड्राइवर एम्पलीफायर है, पावर एम्पलीफायर है और ट्रांसमिटिंग एंटीना है. तो डिफरेंट सारा ब्लॉक है एफएम ट्रांसमिशन के लिए डायरेक्ट मेथड में. तो अब देखिए, ये आपका ऑडियो इनपुट है, या इसको बोलिए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल किसको देगा? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर के पास आएगा. रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर क्या होता है? रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर एक सर्किट है जो फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है. रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर चेंजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टैंक सर्किट ऑफ द ऑसिलेटर बाय चेंजिंग इट्स रिएक्टेंस. रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर क्या करता है? अपने रिएक्टेंस को चेंज करके, चेंज करने पे जो टैंक ऑसिलेटर के टैंक सर्किट का फ्रीक्वेंसी होता है उसको चेंज करता है. तो ये आपका रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर हो गया. अब देखिए कैरियर ऑसिलेटर है. कैरियर ऑसिलेटर क्या करेगा? कैरियर फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा, कैरियर सिग्नल को जनरेट करेगा. यहाँ से बफर एम्पलीफायर है, और बफर एम्पलीफायर क्या करता है? कैरियर ऑसिलेटर और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर के बीच में इम्पीडेंस मैचिंग करता है. आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ कैरियर ऑसिलेटर एंड इनपुट इम्पीडेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर दोनों को मैचिंग करता है और आइसोलेट करके रखता है कैरियर ऑसिलेटर को और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर को. उसके बाद देखिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर है. फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर क्या करेगा? ये आपको फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा, जो कि जिस लेवल पे आपको ट्रांसमिट करना है उस लेवल पे क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई करेगा, 2 times 3 times इस तरह से मल्टीप्लाई कर देगा फ्रीक्वेंसी को. क्योंकि हम लोग बहुत हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं कर सकते हैं गाइस, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करने पर अनस्टेबिलिटी आएगा. इसीलिए हम लोग जो है लो फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से क्या करते हैं, इसको इंक्रीज कर लेते हैं. फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर या हार्मोनिक जनरेटर इसको बोलते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं. उसके बाद हम लोग ड्राइवर एम्पलीफायर को देते हैं. ड्राइवर एम्पलीफायर क्या करता है? ये जो फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज किए हैं उसको फर्दर एम्पलीफाई कर देता है. और उसके बाद इसको दे देता है पावर एम्पलीफायर को. पावर एम्पलीफायर क्या करता है? फिर इसको पावर लेवल तक एम्पलीफाई करता है जहाँ से आप आसानी से ट्रांसमिट कर सके. और यहाँ पे जो है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए एक फीडर नेटवर्क लगा रहता है, जो आउटपुट जो निकलेगा पावर एम्पलीफायर से जो आउटपुट निकलेगा वो और ट्रांसमीटर का जो इनपुट दोनों को क्या करेगा, मैचिंग करके रखेगा. मैचिंग होगा तो अच्छे से ट्रांसमिशन कर पाएंगे. तो यहाँ पे उसका ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या करेगा, सिग्नल को ट्रांसमिट कर देगा. तो यहाँ पे देखिए, इस ब्लॉक में 3 सेक्शन है. कौन कौन सा सेक्शन है? एक्साइटर सेक्शन, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर और पावर सेक्शन. एक्साइटर सेक्शन में क्या क्या है? कैरियर ऑसिलेटर, बफर एम्पलीफायर, रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर, ये 3 जो है वो एक्साइटर सेक्शन बोलते हैं, जहां से हम लोग क्या अप्लाई करते हैं एनर्जी को, एक्साइटर सेक्शन.
और ये देखिए ये जो सेक्शन है वो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर है। यहाँ पे दो तीन स्टेज में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर हम लोग यूज करते हैं जिससे फ्रीक्वेंसी इनहांस हो सके, बढ़ सके। और फिर ये पावर सेक्शन है, पावर सेक्शन में ड्राइवर एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर और यहाँ पे हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग के लिए नेटवर्क यूज करते हैं। तो ये तीन सेक्शन में डिवाइड हुआ है, तीनों सेक्शन को हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो तीन सेक्शन है, एक्साइटर सेक्शन, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर और पावर सेक्शन। देखिए द एक्साइटर सेक्शन कंटेन्स द कैरियर ऑसिलेटर, क्या होता है कैरियर ऑसिलेटर होता है, रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर होता है, बफर एम्पलीफायर होता है। वही फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर क्या करता है, दो तीन स्टेज में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर करते हैं जिससे फ्रीक्वेंसी इनहांस हो जाए। द फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर सेक्शन विच फीचर्स सेवरल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, डिफरेंट सारा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर हम लोग यूज करते हैं। और ये आपका पावर सेक्शन है, आउटपुट पावर सेक्शन है जिसमें ड्राइवर एम्पलीफायर है और पावर एम्पलीफायर है। तो यहाँ पे देखिए द पावर आउटपुट सेक्शन विच इंक्लूड्स ए लो लेवल पावर एम्पलीफायर, जिसमें क्या है एक लो लेवल पावर एम्पलीफायर है एंड द इम्पीडेंस मैचिंग नेटवर्क, और एक इम्पीडेंस मैचिंग नेटवर्क होता है जिससे क्या होता है हम लोग जो पावर यहाँ से निकलेगा जनरेट करेगा उसको प्रॉपरली हम लोग मैच कर पाते हैं एंटीना के इम्पीडेंस से। इम्पीडेंस मैचिंग नेटवर्क टू प्रॉपरली लोड द पावर सेक्शन विथ द एंटीना इम्पीडेंस, यहाँ से जो पावर आपको ये आएगा उसको एंटीना के इनपुट के साथ मैच करवाने के हम लोग मैचिंग सर्किट का यूज करते हैं जिससे कोई लॉस नहीं हो, आसानी से इसको कैरी कर सके। और फिर उसके बाद क्या करेगा, ट्रांसमिटिंग एंटीना सिग्नल को ट्रांसमिट कर देगा। तो इस लेक्चर में हम लोग देखे FM ट्रांसमीटर यूजिंग रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर डायरेक्ट मेथड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।